Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video I am again going to solve another sets of 15 questions of JNU MSc Physics Entrance PG Entrance Paper 2020. Okay, so this is part 2 of JNU Physics Entrance Paper 2020. So let's start. This is our first question, and with what it says, let's read it. An idle gas is kept at constant pressure P. The root mean square speed V RMS of the gas is doubled by heating at constant volume. Calculate the pressure of the idle gas after heating. तो इसको करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो हमारी लंबी ना जाए ज़्यादा. तो एक सेकेंड, हाँ चलो V RMS के फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. जो हमारा आता है वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट 3 KT अपॉन एम. तो इसको टी वन मान लो, फिर ये कह रहा है कि डबल हो जाता है वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारी डबल हो जाती है, वी टू वी आर एम एस हो जाती है. तो इसका टेम्परेचर टी टू मान लो, 3 KT अपॉन एम. इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टी वन अपॉन टी टू आपको मिलेगा. इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन टू मान लो. तो वन डिवाइडेड बाय टू करोगे तो ये आ जाएगा हमारा टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू वन अपॉन फोर आ जाएगा. अब क्या कह रहा है, आइडल गैस इक्वेशन लगा दो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी वन, और फिर दूसरी कंडीशन के लिए पी टू, वी वही है, वी कांस्टेंट है, एन आर टी टू लगा दो इक्वेशन. अब इसको भी डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा पी अपॉन P2 is equals to T1 upon T2, और ये हो जाएगा 1 upon 4 P2, और हमारा P2 आ जाएगा 4P, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हीट मस्ट बी अब्सॉर्ब बाय आइस ऑफ मास 700 ग्राम एट -15 डिग्री सेल्सियस टू टेक इट टू द लिक्विड स्टेट एट 10 डिग्री सेल्सियस. गिवन पैरामीटर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, आइस इज इक्वल टू 2220 जूल पर के जी केल्विन, एंड वाटर की हमको दी है 4187 जूल पर के जी केल्विन, और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 333 किलो जूल पर केजी. ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी. पहले तो हमारा जो मास दिया है इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 700 ग्राम को हम केजी में करेंगे तो 0.7 केजी आ जाएगा. और सब लिख लेते हैं पहले क्या क्या पैरामीटर्स हमको दिए हैं. टी हमको दिया है -15 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में करेंगे तो ये आ जाएगा 258 केल्विन. और ये हमको लाना है वाटर 10 डिग्री तक, तो टी प्राइम ले लो इसको, और ये आ जाएगा हमारा 283 केल्विन. जब आप ये 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करोगे तो ये 283 केल्विन आएगा. अब देखो मैं क्या क्या करने जा रही हूँ. पहले तो आइस दिया है -15 डिग्री सेल्सियस पे, आइस -15 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, तो पहले -15 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर लाना है. तो -15 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस कन्वर्जन होगा. इसमें कितनी हीट लगती है, अरे इसको क्यू वन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम सी डी टी.
और ये हो जाएगा एम सी। हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारा टेम्परेचर है 258 और 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 डी टी। और इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 0.7। हमको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 2220 इंटू, अब आप इसको करोगे 273 माइनस 258, ये आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको Q1 मिल जाएगा 23.310 किलो जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप है, स्टेप टू जो है हमारा वो है 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। और इसमें क्या यूज़ होता है, सिंस फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो हम इसमें लैटेंट हीट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको Q2 लिख देते हैं और ये ml हो जाएगा हमारा। ठीक है, मास हमारा है 0.7 kg और लैटेंट हीट हमको दिया है, फ्यूजन देखो दिया है 333 इंटू 10 की पावर 3 और ये हमारा जाता है 233.1 किलो जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 3 है हमारा, स्टेप 3 जीरो डिग्री वाटर टू 10 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लगता है, इसको Q3 मान लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है एम सी फिर से डी टी। अब टेम्परेचर का आप देखिएगा 0.7 इंटू क्या दिया गया है, हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1487 और फिर ये 283 माइनस 273। ठीक है, ये देखो एम सी और T2 माइनस T1 करोगे तो यही आ जाएगा लिमिट रखने के बाद। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको खोलोगे इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा और T2 एंड T1 की वैल्यू रख देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 4187 इंटू 10 डिग्री। ठीक है, मतलब 10 डिग्री नहीं इसको कह सकते एक्चुअली, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आ जाएगा हमारा 29.309 किलो केल्विन। तीनों हीट को ऐड कर दो, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इसको ऐड कर दिया आपने तो ये आपको मिल जाएगा 23.310 प्लस 233.1 प्लस 29.309, ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 286 किलो केल्विन, किलो जूल किलो जूल। ओके, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, ओके पॉइंट्स में आंसर आएगा लेकिन अप्रॉक्स यही दिया आपका, देख लो आप पीछे 286 किलो जूल। सॉल्यूशन देख लेना आप लोग और ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगाई है ना, आप वो टेम्परेचर वेरिएशन देख लीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन मैंने लिख के रखा है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू, तो पहले मैट्रिक्स को उसके रियल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 1/6 अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये 1/6 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा,
ये 1/3 आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/3, 1/6, ठीक है। ट्रेस ट्रेस निकालिए मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा आपका 1/6। ट्रेस क्या होता है? डायगनल्स का सम, 1/6 प्लस 1/6, और ये आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ट्रेस क्या होता है और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, बी का डिटर्मिनेंट आप निकालो, तो आ जाएगा 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3, 1/3, 1/3 माइनस 1/3, 1/6 प्लस 1/3, 1/3, 1/3, 1/6 माइनस 1/3। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, या फिर मैं करा ही देती हूँ। एक्चुअली ये सॉल्व करना आसान है, चलो कर ही लो, इतना करा दिया है तो ये भी कर ही लो। जहाँ भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना, तो फिर आप वो चीज़ देख लेना, इग्नोर मार लेना और करेक्ट कर लेना खुद से, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए मुझसे। बट कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैंने क्या कंसेप्ट लगाया है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, फाइनली आपको क्या मिलेगा, माइनस 1/8। ऑप्शन जो चेक कर लो, ट्रेस होता है हमारा, ट्रेस क्या होता है हमारा, ट्रेस होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप ऑप्शन से चेक कर लो, देखो क्या आ रहा है। मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 1/2 आ रहा है। अब देखो इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो -1/8 आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऑप्शन को चेक करना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये मेरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज पोलराइजेशन P equals to K r वेक्टर, वेयर K इज अ कांस्टेंट एंड r इज अ वेक्टर फ्रॉम सेंटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, और ये होता है हमारा इक्वल्स टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी पोलराइजेशन। ये पता है ये कहाँ का क्वेश्चन है आप लोग को? ये है पोलराइजेशन ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन। जब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक पोलराइजेशन चैप्टर आता है, वहीं से ये फॉर्मूला उठाया गया है, ठीक है। अब देखो R दिया गया है, तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो पोलराइजेशन है वो R के, देखो R के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम केवल रेडियस ही लेंगे, रेडियल वाला ही कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो हमारा डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, आर स्क्वायर पी आर, माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डॉट के आर कैप सॉरी आर वेक्टर वेक्टर आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर उस हिसाब से हमारा हो जाता है आर कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो उसको हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे, ठीक है। डेल अपॉन डेल आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर डॉट आर कैप फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर जिसको हम आर ही लिख सकते हैं और के। तो आर कैप तो क्यों डायरेक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, हम केवल इसका करेंगे आर क्यूब का डिफरेंशिएशन के आर कैप। देखो इसको करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा पता है, देखो करके। माइनस थ्री के विच इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए इंटेंसिटी दी हुई है, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगाना सीधे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर इज इन नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर इज डायरेक्टेड ऑन अ पोटेशियम सरफेस डायरेक्टेड एट पोटेशियम सरफेस फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड एच की वैल्यू दी हुई है एंड वर्क फंक्शन ऑफ द पोटेशियम इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा आइंस्टाइन का जो रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इंटेंसिटी का यहाँ कोई काम ही नहीं है, लैम्डा देखो दिया हुआ है हमको 350 नैनोमीटर और हम निकाल लेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो एच वी और ये आ जाती है एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप इसको लिखोगे ना यहाँ पे 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू लिखोगे 350 नैनोमीटर। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा पर पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 से इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी हमारी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है 19.86 इंटू 10 की पावर माइनस 26 प्लस ये हो जाएगा 28 अपॉन 560 और ये आपको मिल जाएगा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई दिया है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एम वी, ये फॉर्मूला जो है ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको देखना पड़ेगा इक्वल्स टू जो हमारी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है माइनस जो हमारा वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन देखो क्या दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और ये आ जाती है 3.5 माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचोगे कितना लंबा कैलकुलेशन कैसे करें, पहले बता दूं कि जेएनयू के पेपर में कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड होते हैं, तभी वो 3 घंटे देते हैं आपको ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपको 3 घंटे इसीलिए देते हैं क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको आराम से कैलकुलेट करना है बैठ के। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है हमको ई इक्वल्स टू के आर स्क्वायर आर कैप डिफरेंशियल फॉर्म लिख दो डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब डेल डॉट ई निकालो,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमको डाइवर्जेंस निकालना है। अभी बताया था आपको क्या फॉर्मूला होता है, 1/r² डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर ई, ई की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डॉट के आर स्क्वायर, आर कैप का तो कोई काम ही नहीं है, ये डिफरेंशिएट नहीं होता, 1/r² के आर की पावर 4 फिर आर कैप, अब आ जाएगा आपका 1/r² के 4 आर क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 4kr। चलो ठीक है, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो पहली वाली इक्वेशन में, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, 4kr इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा रो क्या आ जाएगा, क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी रो, एप्सिलॉन नॉट 4kr जो कि हमारा आ रहा है, देखो करेक्ट ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, इस पे कोई डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस या फिर स्टोक्स थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगा सकते हो बट डायरेक्टली आ ही रहा है यार आंसर, निकाल लो, वैसे भी 3 घंटे दिए गए हैं, कैलकुलेशन ही कर लो कुछ, डेल डॉट वी निकालना है, देखो हमको निकालना इसकी वैल्यू है, तो पहले हम इसका कर्ल निकाल लेते हैं, आई जे के कैप, ठीक है। अब हो सकता है आप लोग को कुछ आसान मेथड मिल जाए या फिर कहीं से आप देख सको कि थोड़ा छोटे वे में हो सकता है, तो आप फॉलो कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आप मेरी टेक्निक फॉलो करो, आपको अगर कहीं छोटा वे दिख रहा है या फिर कोई शॉर्ट मेथड दिख रहा है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आ रही है, तो आप उसको फॉलो करिए एज़ कम्पेयर टू माई टेक्निक, क्योंकि टाइम बचाना है एग्ज़ाम में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, यही हमारा मोटिव होता है, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। 3x आएगा ठीक है, यहाँ पे माइनस जे ये 3y हो जाएगा, तो अब हमको फाइंड आउट करना है, ये देखिए ये वेक्टर लगा है यहाँ पे, ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे कि ये वेक्टर लगा है, तो हमको इसको इसके असली फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, तो इसको देखो इसकी वैल्यू यहाँ लिख दो, आई 3x-4y-j 3y डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर क्या है, हमारा एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या होता है, जो हमारा एरिया है उसके परपेंडिकुलर आता है, और ये हमारा जो एरिया आएगा ये हमारा वाई जेड प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, एक्स है, यानी आई कैप है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप डॉट, और फिर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका डी ए, ठीक है, और डी ए को क्या हम लिख सकते हैं, डी ए हमारा एरिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई डी जेड, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इधर देखो ये डबल इंटीग्रल कर दो यहाँ पे, और हमारी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ 0 दी हुई है, क्योंकि हमारा प्लेन ही वाई जेड में है, तो फिर एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 0 आप पुट कर देना, ठीक है, माइनस जे 3y, फिर यहाँ पे आई कैप पुट करो, डी वाई पुट करो, डी जेड पुट करो, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे सब तो फाइनली यू विल गेट -4y dy dz, इंटीग्रेट कर दोगे जेड की, एक में तो देखो जेड आ जाएगा,
जेड की लिमिट देखो 0 to 1 है तो 1 ही आ जाएगा वो, और -4y dy तो 0 to 1 -4y dy कर दोगे आप, तो ये देखो -4y² / 2 y भी देखो 0 to 1 ही वेरी कर रहा है, तो ये आप वैल्यू रखोगे तो -2 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, लेट्स टेक द 3 वेक्टर्स ए बी सी, आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं। देखो सी में एक की वैल्यू मिसिंग है, 7i कैप प्लस xj कैप प्लस 3k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन दीज वेक्टर्स आर कोप्लैनर। कोप्लैनर की जो कंडीशन हमारी आती है, पहले तो इन सभी वेक्टर्स को आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, 6 4 1 1 4 2 7 x 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख लिया इसको, और इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है, इसको सपोज इस मैट्रिक्स को दे दिया हमने जेड दे दिया, तो ये जो जेड का डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। यही कंडीशन लगा के आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, निकाल लेते हैं हम खुद ही निकाल लेते हैं भाई, 4x 2 3 -4 1 7 2 3 + 1 1 7 4 x, तो ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना यार, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। 2x - 4 3 - 14 1x - 28 = 0 6, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 72 - 12x - का प्लस हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा प्लस x - 28 = 0 तो यहाँ पे आ जाएगा -11x = -88 तो x हमारा आ जाएगा 8। देख लेना ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कौन सा आपको पहाड़ से होना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर विच कैरीज अ चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन रो इक्वल्स टू के आर, वेर के इज़ अ कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर जिसमें चार्ज डेंसिटी हमको दी गई है, चार्ज डेंसिटी दी गई है तो स्फीयर बनाना मुश्किल तो नहीं है, चलो बन गया ठीक है। हाँ ठीक है, अरे ये स्फीयर ही है ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया बट बन गया। रो इक्वल्स टू के आर दिया हुआ है, तो चार्ज जो छोटे वाले स्फीयर में है वो क्या हो जाएगा, 0 to r लिमिट रखो, रो dv वॉल्यूम एलिमेंट, तो इंटीग्रेशन आप करोगे रो वॉल्यूम एलिमेंट क्या आता है 4πr² dr, तो रो की भी वैल्यू रख दो जो है kr 4πr² dr 0 to r 4πk r³ dr 4πr
के आर की पावर 4 अपॉन 4, तो ये आपको मिल जाएगा पाई के आर की पावर 4, ये क्यू है। हाँ ये क्यू है आपका। अब लगाओ ये ई डॉट फ्लक्स का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ई लगा दो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई के आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर इधर वाला कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन। हाँ देखिए आपका बी ऑप्शन आ रहा है, ऐसे करना है। तो ये है हमारा इन अ क्वांटम एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन अटेन्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन एन एक्सरे ऑफ एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स इट। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फ्रोटॉन इफ द इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट रेस्ट। एच की वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फ्रोटॉन इफ द इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी इन क्वांटम एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन अटेन्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का ये कहाँ गया, हाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो एनर्जी इंसिडेंट है और जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ, और जो काइनेटिक एनर्जी जो एमिट होती है एब्जॉर्ब, स्कैटर्ड फोटोन जो होता है वही तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसको ई प्राइम मान लो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश के ई, ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन है और ये एनर्जी जो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक हुई है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिली है, ठीक है। आप टर्म्स में डिफरेंशिएट आई होप कर पा रहे हैं, फिर से बता दूं मैं, ये जो एच न्यू डैश है ये हमारे स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी है, और ये जो एच न्यू है वो एक्सरे ऑफ एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक, तो वो एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन अटेन करता है, ठीक है। आई होप यू आर गेट डिफरेंट, आप ये इक्वेशन में हर एक टर्म डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि क्या क्या दिया गया है। अब एच न्यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी जो हमको दी गई है 0.5 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या है, अब कुछ नहीं बचा है, अब आप स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ निकाल लो, एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू 19. एक्चुअली आपको जो एच सी है ना, देखो एच देखो आपको दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम सेवर सेव, इरेजर से मिटाओ इसको, पेन तो ऑलरेडी हमको टाइम सेव करने के लिए दिया गया है, तो 4.16 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो यहाँ पे 6 लगा देना, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सब कैंसिल करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 4.136 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। इसको आप उसी फॉर्म में ला सकते हो जो आप
का ऑप्शन में दिया है, 3 6 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये आ गया आपका। आई होप ये वाली इक्वेशन आप समझ रहे हो कि देखो ये वाली इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और ये जो हमारी एनर्जी इंसिडेंट हुई है, मतलब एक्सरे ऑफ एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो स्ट्राइक करता है, जब इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली रेस्ट पे होता है उस पर जो एनर्जी स्ट्राइक करती है वही एनर्जी है ये एच न्यू, और ये जो माइनस एच न्यू डैश एच न्यू प्राइम दिया हुआ है, माइनस एच न्यू प्राइम दिया हुआ है, जो स्कैटर्ड फोटोन स्ट्राइक करने के बाद जो वाला जो फोटोन है उसकी एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, नहीं तो इस क्वेश्चन में और बाकी कुछ नहीं है। ये देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ से। देखो क्या कह रहे हैं, सपोज अ लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट आई, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर इनसाइड द वायर। अरे यार टेढ़ी हो गई लाइन, इसको सीधी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी तब भी आप समझ जाना, ठीक है, कि हम क्या बना रहे हैं, हम लॉन्ग वायर बना रहे हैं एरिया उसका क्रॉस सेक्शन के साथ। उसके क्रॉस सेक्शन के साथ बना रहे हैं, ठीक है, तो देखना, ठीक है, ये है वायर की रेडियस फ्रॉम एक्सेस, और ये एक्सेस है, ये कोई पॉइंट है इनसाइड द वायर जहाँ पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस है आर। हम यहाँ पे अपना एम्पीरियन लूप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एम्पीरियन लूप है। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे। देखो पहले हम तो जे निकाल लेते हैं, करंट डेंसिटी जो हमारा होता है आई अपॉन एरिया, तो आई है हमारा करंट तो दिया हुआ है, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप ये बताओ जब हमको इसमें से कितनी, इस लूप में से कितनी करंट जा रही है ये निकालना है, तो इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे, तो हमको ये मिल जाएगा आई इंक्लोज्ड, ये मिल जाएगा जे डॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जे की वैल्यू रखो ऊपर से तो ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कस टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, राइटिंग पर मत जाना, बहुत डिफिकल्ट होता है इस पेन टैबलेट से निकलना। ये हमारा डी एल जो है ये एम्पीरियन लूप का है सर्कमफ्रेंस, एम्पीरियन लूप जो हमने कंसिडर किया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देख लो आ जाएगा, अब तो क्या ही लाना है, म्यू नॉट आई आर कहाँ गया, टू पाई आर स्क्वायर, देखो यही आ रहा है ना, म्यू नॉट आई आर टू पाई आर स्क्वायर। अरे ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको, जिसको वैसे आसान है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू 10 100 कॉस
10 की पावर 8 है ये, ठीक है, 10 की पावर 8 टी प्लस के एक्स, और ये यूनिट वेक्टर है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द प्रोपोगेटिंग वेव, लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा क्या होता है, 2 पाई अपॉन के, के क्या है, और ये देखो यहाँ पे जो के दिया यही है। तो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब जो भी वेलोसिटी आएगी वो सी होगी, यानी 3 × 10^8। ओमेगा हमको क्या दिया हुआ है, ओमेगा हमको 10^8। तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है हमारी ओमेगा बाय के। तो ओमेगा 10^8 है और के हमारा है, के हमको फाइंड आउट करना है, सॉरी, और हम यहाँ पे सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, के हमको फाइंड आउट करना है। और ये 3 × 10^8 है, इसको इसको काटो, ये 1/3 आ जाएगा, के आ गया है हमारा, तो लैम्डा भी आ ही जाएगा। अब तो 2π 1/3 ये आ जाएगा 6π, जो हमारा आंसर दिया है। अब ये देखिए, ये आई गेस हमारा लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अ मटेरियल हुज के एब्जॉर्प्शन एज इज 0.15 angstrom एंड इज इराडिएटेड विद 0.08 angstrom एक्सरे, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द के शेल। सब वही काम है आपको, बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जहां पूछे वहां ये लगा दो, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखो इतनी एक्सरे की वेवलेंथ जब पड़ती है तो एनर्जी कितनी लगती है, वो हमारी है एच न्यू, और ये इतनी एब्जॉर्ब हो जाती है वो हमारी है एच न्यू नॉट, और फिर कितनी एमिट होती है वो हमको निकालनी है, जो हमारी है ई वी नॉट। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो इसको लिख लो उसके असली फॉर्म में, लैम्डा 1 - hν hc / λ2। कैलकुलेशन कर लेना, ये hc λ2 - λ1 / λ1 λ2 कैलकुलेशन करोगे तो ये 19.878 × 10^-26 + 10, ठीक है, अपॉन ये नहीं इंटू क्या दिया है, लैम्डा टू हमारा था 0.15 × 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 × 10^-19 से डिवाइड कर देना। ये सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। और हाँ, मैं पहले बता दूँ, इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने हाथों से। ये 72.47 kilo electron volt आ जाएगा आपका एनर्जी, जो अप्रॉक्समेट लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है, बट यही आ रही है, तो आप देख लीजिए। और ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेट्स टेक अ ब्लैक टोटल एब्जॉर्बिंग पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया 2 cm² विच इंटरसेप्ट लाइट विथ एन इंटेंसिटी ऑफ 24
watt per meter square from sunlight. Find the radiation pressure produced by the cardboard by light. रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा यू, इसको यू से डिनोट करते हैं, ये होता है आई अपॉन सी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट आई इज इक्वल्स टू जो हमारी इंटेंसिटी दी है इंटेंसिटी, तो ये दिया 24 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 यूनिट एडजस्ट कर लेना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगी, तो ये हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। देखो फॉर्मूला वेज क्वेश्चंस आते हैं जेएनयू में, हो गए मेरे हम लोग के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इस पार्ट बी मतलब पार्ट टू में हम लोग ने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अपकमिंग तीसरी जो हमारी वीडियो होगी उसमें भी अनदर सेट्स ऑफ 15 क्वेश्चन करके हम ये पेपर 2020 का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं जेएनयू के और बाकी सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी करवाऊंगी, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, तो प्रीवियस ईयर की बहुत इम्पोर्टेंस है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाओ सब लोग भाई इंट्रेंस एग्ज़ाम देने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड please share it if you have learned anything from this video. Thanks for watching.